बर्थडे के दिन मैं शराब दूं किसी? देखो देखो, ये आपको पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा होगा भैया ऋतिक जी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि जिसका तीनों साइड बराबर होता है, ये हमें पता है। पी क्यू आर या एबीसी कुछ भी कर सकते हैं, मैंने पी क्यू आर रखा है। पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके ऊपर हमने ये लाइन खींची है जो कि पी एस इसका मीडियन है या एल्टीट्यूड भी, जो इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट। ये इसका बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये इसका हाइट हो गया। एक तरफ की बात कर रहे हैं, एक तरफ। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमने क्या किया है कि इस ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज सॉरी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है। पी एस इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। पी एस जो लाइन बनी होती सीधी वाली वो इस साइन के लेफ्ट में लिखते हैं, तो पी एस परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, तो क्यू आर बाद में लिखते हैं। इतने छोटे साइन का मतलब ये हुआ कि पी एस इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, ठीक है। सो क्यू एस क्यू एस इस छोटे वाले हिस्से की बात करें, क्यू एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू ए बाई टू। ये भी a by 2 है, ये भी a by 2 क्वेश्चन में दिया हुआ। नाउ इन ठीक है, अभी जाओ घूम लो। नाउ इन ट्रायंगल PSQ, PSQ मैं क्या शांति बनाए रखी, ट्रायंगल PSQ की बात कर रहे हैं। बाय पाइथागोरियन थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर इनटू बेस प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, किसी भी ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, कितने के बराबर होगा? कौन सी? मैंने अब इस आधे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ना, इधर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, केवल इस छोटे वाले हिस्से की बात। ये छोटे वाले हिस्से का हम निकाल देंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। मैं ट्रायंगल पी क्यू एस की बात कर रहा हूं, पी एस क्यू या पी क्यू एस, ठीक है। इसको अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वहां देखिए पी क्यू मतलब कि पी क्यू का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, क्या होगा पी एस हाइट के स्क्वायर स्क्वायर डबल होता, फॉर्मूला है ना, पढ़ा ना आपने अभी पावर और एक्सपोनेंट पावर पढ़ाया था स्क्वायर क्यूब। तो फॉर्मूला ही हाइपोटेन्यूज में जो भी होगा 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दिया होगा उसका हम स्क्वायर करते हैं। सर वो बेस स्क्वायर है। हाँ, बेस हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में ये है हाइपोटेन्यूज, पी क्यू हाइपोटेन्यूज है, पी एस आपकी हाइट है और क्यू एस आपका बेस है, ठीक है। अब देखो तो पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी एस के स्क्वायर और प्लस जो बेस हमारा ए अपॉन टू दे रखा है, तो ए अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर क्या है आपका, पी क्यू ए था ना, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। उसके बाद हमारा इधर क्या था, यहां देखो इस लाइन को देखो, यहां पर पी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कर दिया, तो यहां पर ये वाला जो चीज है इसको हम लेफ्ट में लेकर के आते हैं, ये प्लस में ए अपॉन टू का होल स्क्वायर है, हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर ए का बेटा होल मैंने कि स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे का टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, तो ए स्क्वायर अपॉन फोर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर। बेटा ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? मैं इसको दो बार और समझाऊंगा, कोई घबराने की जरूरत। अब देखो
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एलसीएम वाला माइनस प्लस हो गया। हम इसके नीचे क्या करेंगे, केवल वन कर देंगे, कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर वन, तो ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर, माइनस का हिसाब लगा देंगे। अब फोर और वन का एलसीएम फोर हो गया, वन फोर जा फोर, और फोर में ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए स्क्वायर। ये वाला समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, मैं इसको थोड़ा बड़े पे करके दिखाता हूं, रुक जाओ। ऊपर वाला समझ में आ गया, ऊपर वाले को इरेज कर दो। देखिए मैं यहां करके दिखा देता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इक्वेशन है ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर, फोर और वन का एलसीएम फोर होगा, वन से फोर को डिवाइड करेंगे तो वन फोर जा फोर मल्टीप्लाई, ऊपर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख देंगे, बंद कर दीजिए। यहां माइनस था, हमने माइनस, फोर वन जा कितने बार में डिवाइड होगा तो एक बार में, ऊपर क्या है ए स्क्वायर, हम उसको मल्टीप्लाई करें। ये तो नहीं हो सकता, वन जो आदमी कान से कम सुनता है ना वो तेज बोलता है, ऐसा आपको नहीं सुना है ना, तो मेरे कान थोड़े कमजोर। ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है, ध्यान देना, नीचे फोर और वन है ना, फोर और वन है, जिन बच्चों का बिल्कुल डब्बा गोल है एलसीएम दिखा देते हैं, टू टू जा फोर, वन का वन, टू वन जा वन, तो टू टू जा फोर, ओके ना, ये फोर एलसीएम आ गया। नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जितनी बार में कटेगा वो यहां लिखेंगे और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां माइनस है तो माइनस नहीं आ जाता, तो वन फोर जा फोर, ऊपर ए स्क्वायर था तो मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, माइनस फोर वन जा फोर, ऊपर ए स्क्वायर था तो मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। अब देखते हैं इसको अरेंज करते हैं, फोर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, देखिए, और वन को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही रहेगा, तो फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर। अब देखो आपको मैंने सिखाया था एक्सपोनेंट पावर में, यहां ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हो रहा है ना, और यहां कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वन, तो फोर में से वन जाएगा तो कितना बच जाएगा, थ्री, और ए स्क्वायर का एक ए स्क्वायर रहने दें, बात खत्म, थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर आपका आ जाएगा आंसर, जो कि मैंने यहां लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया, ध्यान दे लीजिए, आप देख लीजिए, मैं वीडियो स्टॉप करके आप लोगों को मौका देता हूं, फोन लाना कोई पाप नहीं है बेटे, इसीलिए फोन खरीदवाया था कि फायदा हो उसका, थोड़ी मैथ करो मैथ, चलो देखो, तो हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करके थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर आ गया, ठीक है, अब इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो जो पी एस हमारा है, जो पी एस हमारा है, देख रहे हैं ना, इसकल टू पी एस स्क्वायर, तो पी एस स्क्वायर मतलब थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर इसकल टू पी एस स्क्वायर आया है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ए बाय टू, ए बाय, हाँ बोलो, देख बेटा मैं बता रहा हूं, कोई बात नहीं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे ना, तभी तो वहां समझ में आएगा। पाइथागोरस थ्योरम था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वहां देखो केवल पीक्यू हाइपोटेन्यूज है, केवल पिक्चर देखना, आपका हाइट पीएस आपको दिख रहा होगा और आपको बेस दिख रहा होगा, तो हाइपोटेन्यूज ए दे दिया है हमने, आपका बेस ए अपॉन टू दिया है, बेटा ये पूरा का पूरा साइड इक्विलेटरल है, तो ये ए है, ये ए है, तो ये भी तो ए होगा, तो अगर हम हाफ निकाल रहे हैं तो ए अपॉन टू करेंगे ना, ए अपॉन टू करेंगे कि नहीं, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पीक्यू स्क्वायर, हाइट स्क्वायर पीएस स्क्वायर, पिक्चर देखेंगे क्यों, और बेस स्क्वायर मतलब ए अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है, पीक्यू स्क्वायर ए था तो ए का स्क्वायर, नीचे मैंने जान के वन लगाया ना, कुछ नहीं तो मैंने वन है ताकि बच्चे एलसीएम कर सके, इसलिए केवल ए स्क्वायर, और
हमारा जो a अपॉन टू का होल स्क्वायर था, हम इसको ये प्लस था तो इसको इधर लेकर के आए, तो ये माइनस इसके साथ हो गया, इधर पी एस स्क्वायर का पी एस स्क्वायर एच डी बच गया, और उसके बाद एलसीएम में करके सॉल्व किए, तो हमारा ये वाला जो साइड है पी एस, हमें ये पता है कि a है, ये a अपॉन टू है, ये रूट थ्री अपॉन फोर, थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर आ गया, सॉरी अभी नहीं सॉल्व कर, पी एस स्क्वायर। अब देखो यहां पर इस इक्वेशन को, अब अगर हम पीएस की केवल बात करें, हमको पीएस स्क्वायर नहीं चाहिए ना, पीएस चाहिए, तो देखो इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को हमने कर दिया कट, पीएस यहां गया, अब थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू पीएस स्क्वायर था, तो पीएस इक्वल टू, अब ये फोर है, देखो मेरी बात सुनो, थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर दिख रहा है आपको, हमने क्या किया कि इस फोर में से एक स्क्वायर निकाला, क्योंकि थ्री ए अपॉन फोर का होल स्क्वायर मतलब कि दोनों डबल है, थ्री ए भी डबल है और ए भी डबल है, हमने इसका केवल एक थ्री ए रहने दिया और इस टू फोर को टू कर दिया, मतलब ये थ्री ए का थ्री ए रह गया और ये टू का टू रह गया, कैसे बताएं आप लोग को, रुक जरूर जरूर, ठीक है एक मिनट और मैं अच्छे से रुको डिफाइन कर रहा हूँ, एक मिनट, जा सकते हैं आप लोगों को भी जाना है, अभी कर लीजिएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, होता है ना, किसी भी ट्रायंगल का एरिया मतलब हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ बेस हमारा QR है, QR पूरा का पूरा, अब हम पूरे ट्रायंगल का काम करेंगे, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर तीनों साइड बेसक, बेटे आपकी रबड़ गिर गई क्या, ये किसकी, ये देख सदमे में अभी, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको बेस पता होना चाहिए, आपको क्या कहते हैं हाइट पता होना चाहिए, और आपको हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए, मतलब कि बेस इनटू हाइट पता होना चाहिए, दो चीज तो पता होनी चाहिए ना, तो अब हमने इसको हाफ करके ही इसका हाइट पता लगा लिया, बेस पता है नहीं तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कर देंगे, तो हाफ क्यू आर पूरा इसका बेस है ये वाला, हाइट हमारा पी एस रूट थ्री अपॉन थ्री अपॉन टू आ गया था, और ये पूरा का पूरा क्या था, ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए ही था, क्लियर है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए इंटू रूट थ्री अपॉन टू इक्वल टू, देखिए रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर, बेटे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो रूट थ्री ए और ए, तो क्या होगा, दो ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, देखो हाफ इंटू ए इंटू रूट थ्री ए अपॉन टू, ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री ए इंटू ए क्या हो जाएगा, रूट थ्री ए स्क्वायर, और टू टू जा फोर, बात करता हूं, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, मैं भी करके दिखाता हूं, ये बेटा तो इसकी बुक से करा दिया, लेकिन मैं आपको स्लाइड नंबर भी बता देता हूं, आप लोग हैं ऋतिक करा लोगों का, देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एक साइड दो सेंटीमीटर, तो तीनों साइड तो दो दो सेंटीमीटर के होंगे, हमें क्या करना है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, देखो साइड जिसको ए की ए में हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं इसका टू क्या है, टू सेंटीमीटर, ये तो पता ही हम लोग, ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि एरिया ऑफ अ क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जब होगा तभी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, नहीं
देखो मेरी बात सुनो, हमने वो जो फॉर्मूला अभी आपको सॉल्व करके दिखाया इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है। हाँ कुश नानी जी आ जाओ, नानी जी को कल से कहो कि 4 बजे आने के लिए, ठीक है ना, पढ़ लेट से 4 तो बजने वाले हैं। हाँ ठीक है, जा सकते फोन पे है ना, हाँ तो करके लाना। रूट 3/4a² मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3/4a², ठीक है। अब देखो रूट 3/4 तो हमें पता है ना, a मतलब कि साइड, साइड कितना है, तो a की जगह पे 2 का होल स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है, ओके। सो रूट 3/4 इंटू 4, 2 का स्क्वायर तो 2 × 2 = 4। एरिया किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पहले ही हमें पता होता है, रूट 3/4a² जो मैंने पता होता है, रूट 3/4a² उसका एरिया होता है। अभी बैठो ना बेटे, क्या है छोटा, हाँ, हमें जब साइड दिए हुए रहते हैं उसी हिसाब से हम लोग उसको फिर सॉल्व कर ले, जैसा साइड दिया होगा उसी हिसाब से वो सॉल्व हो जाए। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा इसी तरीके से उसका एरिया निकाल दें, कोई टेंशन की बात नहीं, क्लियर है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3/4a², हमें पता है रूट 3/4, a की जगह साइड क्या दी हुआ है 2 का होल स्क्वायर, तो रूट 3/4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 = 4, 4 से 4 गया, आंसर इज रूट 3, दैट्स ऑल। सेंटीमीटर स्क्वायर कर बोलो बेटा, नहीं 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 ऐसा नहीं, रूट रूट को कैसे, रूट 3 का कोई वैल्यू नहीं, तो डेसिमल में आएगा, रूट 3 की वैल्यू नहीं होती। याद रखेंगे डस्टबिन मैंने बंद कर रखा है। हाँ जी, फॉर्मूला नहीं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3/4a², ये उसका पहले हमको एरिया पता होता है, तो जो भी साइड होता है उस साइड की जगह पे हम उसको बैठा लेके अपना काम कर लेते हैं। नहीं वो ये आपको समझाने के लिए था कि अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले, बता रहे मुंह बंद करिए, ध्यान देंगे आप बोर्ड पे, ध्यान दीजिए, पैसा यहां देते हैं। एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस सुमित कौन होता है बताओ, आइसोसेलस ट्रायंगल कौन होता है, बहुत बढ़िया बेटा शाबाश, एक आइसोसेलस ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज, हाँ ये हाइपोटेन्यूज, हमें क्या करना है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है तो उसमें हाइट नहीं दिया जाता, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। लेकिन आइसोसेलस ट्रायंगल में हमको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भैया दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, तो हाफ इंटू 10 × 10, 2 से 5 कटा, 50 cm² काम करता है। आपको कैसा लगा, तो पकवा तो देखो ना, तुमसे क्या है, पांचवा एग्जांपल देखो ना, कौन सा क्वेश्चन, अरे यार तुम लोग तो ऐसे ही हो बस। फाइंड द एरिया ऑफ अ आइसोसेलस ट्रायंगल हुज वन साइड, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल
मतलब ऐसा आइसोसेलस ट्रायंगल जिसका एक साइड राइट एंगल होगा, मतलब कि गोला नहीं डब्बा, ठीक है। सो एंड हुज इक्वल ईच ऑफ इक्वल साइड इज 10 मीटर, और जिसका जो इक्वल साइड है मतलब दो ऐसे साइड जो इक्वल हैं वो 10 मीटर के हैं, सेंटीमीटर था मीटर था सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, वो बेटा एग्जांपल था, क्वेश्चन यहाँ लगा दिया, लोकल बुक वाले मैंने सॉल्व कर दिया, यही है ओके, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, कम खत्म, क्वेश्चन ही नहीं था ये। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा चैप्टर चलता रहेगा। देखिए ये सर्कल आपको समझ में आ रहा होगा, सर्कल का आपको ये सेंटर है, ध्यान दे, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। सेंटर से ये बाहर वाला जो गोला दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। बोलिएगा मत प्लीज, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इस बाहर वाले लाइन को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ध्यान देना। ये है आपका सेंटर, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली कोई भी लाइन जो होगी, कोई भी लाइन जो होगी एक तरफ केवल, उसको कहेंगे रेडियस। और अगर कोई लाइन सर्कमफ्रेंस को और सेंटर को जोड़ते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाए तो पूरी की पूरी लाइन सेंटर को कर देगी, इसको डायमीटर कहेंगे। इतना समझ में आता आप लोगों को? Yes. किसको नहीं आया समझ में, फिर बताऊं? बताऊं फिर से। सर्कल का जो बाहरी घेरा है ये गोला, इसको कहते हैं बेटे सर्कमफ्रेंस, ओके। सर्कल का एक सेंटर होता है, आपको पता है सेंटर कहते हैं, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है केवल एक तरफ की, पूरी दोनों तरफ नहीं, एक तरफ, ये सर्कल है का सेंटर, इसे ये लाइन मिल गई, ये हो गया रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारे रेडियस है। लेकिन कोई सर्कल हो उसका सेंटर हो और सेंटर को मिलाते पूरी बड़ी लाइन, दोनों छोर को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं डायमीटर, जो मैंने वो बताया। अब क्लियर है? डायमीटर, सेंटर को क्रॉस करते हुई सर्कमफ्रेंस को, मतलब कि एक सर्कल को दो टुकड़ों में बांटने वाली, कहीं से भी लाइन खींचोगे तो सर्कल दो सेमी सर्कल में बट जाएगा, दो हाफ हाफ टुकड़ों में बट जाएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो कीप क्वाइट। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, हाँ टू पाई आर, हम एरिया में चले गए, टू पाई इसको कहते हैं और आर ये हो गया। घबराओ मत, मैं सब कुछ बताऊंगा। ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस होगी, मैंने रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। अगर आपको रेडियस पता होगा तो आप किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, फॉर्मूला 2πr, पाई की वैल्यू आपको अभी 22/7 याद रखनी, याद कर लेना, पाई का मतलब 22/7, तो 2×22/7, आर कितना है हमारा 5, कोई कहीं कट तो नहीं रहा है, 44/5 से कितना हो जाएगा, दो सौ बीस बटे सात, इसको डेसिमल में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका, या तो डेसिमल में डिवाइड करके निकाल दो, ये आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, समझ में आ गया? कोई भी सर्कल होगा तो उसका फॉर्मूला 2πr होता है, 2 अपने से लगाना है, पाई की वैल्यू 22/7, और जो रेडियस दिया जाएगा मल्टीप्लाई करके लिख देना, इसके बीच में मल्टीप्लाई करके, मैं तो पाई की वैल्यू 3.1 मत याद करना उसको, जो दे रखे 3.14 भी लिखी होगी कहीं कहीं, है ना। तो वो जब आप 10th क्लास में जाओगे तो वहां पर क्वेश्चन में हिंट दिया जाता है कि यहां पर पाई की वैल्यू
3.14 आप रखो, यहाँ पर 22/7 रखो, ठीक है ना, क्योंकि उसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है। आपको 22/7 याद रखना है, अभी कुछ भी नहीं याद रखना, ठीक है, 22/7 मान ली। आज का क्लास खत्म। रेडियस का क्या बेटा? हाँ रेडियस दिया रहेगा और अभी बैठेंगे।